अब इस सेट का वी बैस सेक्शन को चेक करके हम ये मालूम कर रहे हैं कि ये सेट में जो वी बैस सेक्शन है वो शॉर्ट है या ओपन है या लीकेज है। तो हम यहाँ पे एक पोल ग्राउंड पे रखे हैं पॉजिटिव ले को जीआर निकालने के लिए, और ग्राउंड हाथ में रख करके वी बैस सेक्शन पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इधर ग्राउंड है कैपेसिटर में लगा हुआ, और कैपेसिटर का ये लेग पॉजिटिव वी बैस सेक्शन है जिसका जीआर 545-41 के लगभग है। ये ओके जीआर बता रहा है यहाँ पे क्या है, ये ओपन भी नहीं है ना शॉर्ट है, समझ रहे हैं। अब ये लीकेज निकालने के लिए अब एफआर में इसको उल्टा कर प्लस में प्लस और माइनस में माइनस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम जब रख रहे हैं तो यहाँ वन वहाँ बता रहा है यहाँ पे, तो ये ओके है, ये ना लीकेज भी नहीं है ना शॉर्ट है ना ओपन है, ये ओके रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है, समझे, ये ओके अभी है। उसके बाद हम यहाँ से देखें, अब हम चेक करेंगे वी बैस सेक्शन को। हम क्या चेक किए यहाँ पे, वी बैस सेक्शन को चेक किए हैं चार्जिंग जैक के नज़दीक, पॉजिटिव ले को चेक किए हैं। अब हम वी बैस सेक्शन बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे। तो बैटरी कनेक्टर को चेक करने के लिए जीआर में जब चेक करेंगे हम यहाँ पे रख करके, तो पॉजिटिव ले को ग्राउंड में रख लेंगे मल्टीमीटर को, और इसका पॉजिटिव ले को चेक करेंगे। तो ये ग्राउंड लेग है यहाँ, इधर हम चेक किए और इधर पॉजिटिव लेग है। तो यहाँ 300-400 आर के लगभग अगर आ रहा है, 428 के लगभग रीडिंग यहाँ पर है, जीआर है, समझे, यहाँ पे जीआर है। तो इसको ओके मान लेंगे, यहाँ ओपन नहीं है और फुल शॉट भी नहीं है। फिर इसको हम एफआर में चेक करेंगे, तो हम इसको ग्राउंड में ग्राउंड और प्लस में प्लस को रख के चेक करेंगे। यहाँ हो जाना चाहिए वन रीडिंग लास्ट में, लेकिन यहाँ पर कुछ शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ रीडिंग शो कर रहा है एफआर में। तो ये बता रहा है कि वीपीएस सेक्शन में शॉर्ट होगा, क्या होगा, वीपीएस सेक्शन में शॉर्ट होगा या वी बैट सेक्शन में लीकेज होगा। जो यहाँ से वोल्ट जो चार्जिंग आईसी या डीसी टू डीसी कन्वर्टर के पास जा रहा है, या यहाँ पे जीना डायोड लगा हुआ है, या वो तो ये लीकेज है इसके परिपथ में जो लगा पीसी एन पीसी जीना डायोड लगा है प्राइमरी सेक्शन में जो आईसी के पास जा रहा है, वो शॉर्ट है या लीकेज है बता रहा है, या वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है या लीकेज है। तो हम फिर वीपीएच लाइन को चेक करेंगे, और वीपीएच लाइन को चेक करने के लिए हमको ये बोर्ड को खोलना होगा, और वीपीएच वोल्ट कहाँ जाता है सबसे पहले उसको चेक करना होगा। अब यहाँ पे लगा हुआ चार्जिंग आईसी, लाइट आईसी, चार्जिंग आईसी, लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, प्राइमरी आईसी इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला वोल्ट बैटरी कनेक्टर से इसी पे आएगा, और इसके बाद सेकेंडरी पीएमआईसी को वीपीएच वोल्ट मिलेगा। तो वीपीएच वोल्ट यहां से हम चेक कर रहे हैं, तो वीपीएच का जीआर निकाल रहे हैं, तो यहां पर चेक कर रहे हैं। तो यहां से और इसको जब हम चेक कर रहे हैं, तो वीबैस सेक्शन ये नहीं है, ये यहां से जा रहा है आपको वीपीएच वोल्ट, और वीपीएच वोल्ट को जीआर निकाल रहे हैं, तो यहां कम है जीआर, देखे यहाँ पे जीआर होना चाहिए 250-300 के लगभग, जो कि जीआर यहाँ पर है 200 भी रहता तो ओके रहता, लेकिन यहाँ पर जीआर है 150। अब ये वीपीएच लाइन जहाँ जहाँ वोल्ट जाता है, या तो कोई आईसी वीपीएच में लीकेज है, या कोई कंपोनेंट्स पीसी एनपीसी लीकेज है उस आईसी के नज़दीक, फिर हम इसका प्रॉपर चेक करेंगे, इधर रखेंगे एफआर चेक करेंगे, और इसको हम ऐसे करके चेक करेंगे। इधर भी कुछ ना कुछ रीडिंग रह जा रहा है, इसका मतलब कोई आईसी लीकेज है,
हम कोई आईसी कोई 4G आईसी लीकेज होगा या PFO लीकेज होगा या पावर आईसी लीकेज होगा, जहां जहां BPH वोल्ट जाएगा उसमें कहीं ना कहीं खराबी होगा, उस पर काम होगा या ये आईसी खराब होगा डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब इस क्वाइल को हटाएंगे और क्वाइल का इनपुट आउटपुट निकाल करके चेक करके अगर इनपुट में रीडिंग वीक है तो ये आईसी खराब है, अगर आउटपुट में रीडिंग है तो VPH जहां जहां वोल्ट जा रहा है वो खराब है, निकालेंगे। आज बस यहीं तक, कल फिर क्लास आगे बढ़ाएंगे।